नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू के सांबा और कठुआ में हुए आतंकवादी हमलों की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, जम्मू के कठुआ और सांबा में जो हमले हुए हैं, क्या इसको जम्मू के हिंदू वाले क्षेत्र से जोड़कर देखा जाना चाहिए? देखिए, इसकी जो टाइमिंग है झाला जी, वो निश्चित तौर पर अहम है, क्योंकि चैत्र प्रतिपदा की नवरात्रि की शुरुआत है। चैत्र नवरात्रि की वैष्णो देवी एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है जम्मू में, जहां पर लाखों श्रद्धालु इन 9 दिनों में आते हैं। और पहले भी हमने देखा है कि अमरनाथ यात्रा हो या वैष्णो देवी में नवरात्रि के शुरुआत के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थियों के आने का सिलसिला हो, उसके आसपास आतंकवादी हमले ज़रूर होते हैं। और बल्कि हमको जो जानकारी मिली उसके हिसाब से IB का अलर्ट पहले से था, और ऐसा अंदेशा था सुरक्षा बलों को और IB को भी कि इस तरह से हमले किए जा सकते हैं। एक अहम बात इसमें, हम जो पैटर्न देखें तो हमेशा ये होता है कि कोई भी एक जब बड़ा हमला होता है उसके अगले 24 घंटे के भीतर दूसरा हमला ज़रूर होता है। तो उसमें जो वहाँ पर भी संवाददाता हैं, हमारे वेब दुनिया के भी संवाददाता हैं, उनसे हमने बात की है तो हमें पता लगा है कि दरअसल ये एक समूह में आते हैं 5 से 8 के, और 2-3 के समूह में बिखर कर फिर अलग अलग आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। मुफ्ती सरकार के लिए निश्चित तौर पर ये एक बड़ी चुनौती है। जम्मू और कश्मीर में नई सरकार ने अपना कामकाज संभाला है और जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी आतंकवाद कोई एक नया मामला नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू में, जो कि हिंदू बहुल इलाका है, वहाँ पर कठुआ में और सांबा में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए हैं, वो चिंता का विषय है। जो हजारों लाखों दर्शनार्थी वहाँ पर जाते हैं, उनको डराने का ये प्रयास निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इस हमले को जो है मुफ्ती सरकार की अलगाववादियों के प्रति नरमी का रुख माना जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस हमले को मुफ्ती सरकार के अलगाववादियों की नरमी के प्रति देखा जाना चाहिए। जहां तक मसरत आलम की रिहाई का मामला है, जहां तक मुफ्ती सरकार के कुछ बयान आए, खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा है कि चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने में दूसरी तरफ का भी हाथ है, मतलब उनका इशारा पाकिस्तान से था, ये मुझे लगता है कि एक अलग मसला है। लेकिन जहां तक आतंकवादी हमले हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी आतंकवादी समूह ने ये सोचा होगा कि मुफ्ती सरकार जो है वो उनके प्रति ज़्यादा नरम है, इसलिए वो आसानी से हमले कर सकते हैं। असल में सुरक्षा का जो मसला है वो केवल राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का भी, और जहां तक हम देख रहे हैं कि सेना की तैनाती वहां है, बल्कि जो अफ्सपा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, वो एक बड़ा मसला बना है और वो पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र की सेना वहां पर लगी हुई है, CRPF के जवान भी वहां पर हैं, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो वहां पर है। तो ये तो एक साझा मसला है सुरक्षा का। और अब चूंकि जो भाजपा भी जो केंद्र में है वो जम्मू में सरकार में शामिल है, तो मुझे लगता है कि वहां की सुरक्षा इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। और जैसा कि पहले की एक बातचीत में हमने कहा भी है कि खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के उग्र राष्ट्रवाद का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द करती रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को जिस तरीके से एक बड़ा मुद्दा वो लगातार चुनावों में बनाती रही है, अब ये मौका है कि जब केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आधी सरकार में आप शामिल हैं, आपकी साझेदारी है, आपकी साझेदारी के बिना वो सरकार चल नहीं सकती, 2 कदम भी वो गिर जाएगी, तब ऐसे में किस तरीके का संकल्प आप इस तरह के आतंकवाद से निपटने के लिए दिखाते हैं, वहां पर जो सुरक्षा बल तैनात है उनके हौसले कैसे बुलंद करते हैं, जम्मू और कश्मीर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको किस तरीके से ये भरोसा दिलाते हैं कि अब जो सरकार है वो ज़्यादा प्रतिबद्ध है वहाँ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने को लेकर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा का मामला एक बहुत बड़ा मामला रहा है। और सच पूछा जाए तो जो तथ्य पिछले लगातार एक दशक में सामने आया है वो ये है कि जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो भी आजीज आ चुकी है, इन आतंकवादी हमलों से तंग आ चुकी है, क्योंकि जब जब आतंकवाद वहाँ जम्मू कश्मीर में चरम पर आया है तब तब वहाँ पर पूरी अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। जम्मू कश्मीर की दरअसल जो अर्थव्यवस्था चलती है वो ज्यादातर पर्यटन से चलती है, और जब पर्यटकों की संख्या में गिरावट आती है तो वहां सब कुछ लगभग ठप सा हो जाता है। वहां और कोई उद्योग धंधे इस तरीके के नहीं है जिसकी वजह से लोग अपनी रोजी रोटी चला सके। लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, घूमते हैं, उसकी वजह से वहां पर खर्च करते हैं, उसकी वहां पैसा आता है अर्थव्यवस्था में और लोगों की रोजी रोटी चलती है। लेकिन पड़ोसी मुल्क ने इसको एक बड़ा मसला बना रखा है कि वहां की शांति कैसे भंग की जाए। अब ये चुनौती न केवल जम्मू कश्मीर सरकार पर बल्कि भारत सरकार पर भी है कि कैसे वो इन आतंकवादी हमलों से निपटे। इसमें एक खास बात और है कि इन दोनों ही हमलों में हाईवे को निशाना बनाया गया। जी, तो निश्चित तौर पर इसीलिए क्योंकि हाईवे से ही लोग जाते हैं, हाईवे से आवाजाही प्रभावित हो, लोग नहीं जाएं, वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी जाए कुछ समय के लिए, आवाजाही रुकने के बाद जो और आगे आने वाले हैं वो भी संशय में रहेंगे कि वो जाएं या ना जाएं। तो जो हमने बात शुरुआत की थी कि नवरात्रि की शुरुआत के ठीक
पहले और नवरात्रि के पहले दिन जो हमले हुए हैं वो साफ तौर पर ये माना जा सकता है कि जो यात्रा शुरू होगी दर्शनार्थियों की उसको रोकने के लिए, उनको डराने के लिए किए गए हैं। पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय सेना का और सरकार का हौसला बुलंद है, वैसे ही जनता का भी हौसला बुलंद है, और मुझे नहीं लगता कि इससे घबरा कर, लेकिन हाँ, जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने की जो जवाबदेही है वो निभानी होगी सरकार को। यदि जी, मुफ्ती के मामले में एक बात और है कि रूबिया सईद के अपहरण के समय भी उन पर आरोप लगे थे। जी, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला है, हालांकि वो एक इतिहास हो चुका है, लेकिन उस वक्त वो गृहमंत्री भी थे, उस वक्त एक बड़ा संकट देश के सामने खड़ा हुआ था, उनकी बेटी का अपहरण हुआ था, और उस वक्त सारे देश ने उनके साथ देते हुए ये कोशिश की थी कि उनकी बेटी पर कोई आँच नहीं आए। अब उसको हम उनकी निष्ठा से जोड़कर मुझे लगता है कि अब देखें तो ठीक नहीं होगा। अभी वो एक हमारी देश के ही एक राज्य के प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं, ये बात ज़रूर महत्वपूर्ण है कि वो राज्य हमेशा से संजीदा रहा है तमाम मसलों को लेकर, वहाँ पर हमारी पड़ोसी मुल्क से लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हालिया आतंकवादी हमले हैं, इनका इस तरह के किसी संदर्भ से या इनका मुफ्ती सरकार ने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे कोई सीधा सरोकार नहीं है। इस तरह के हमले, इस तरह की यात्राओं के पहले, इस तरह के धार्मिक उत्सवों के पहले होते रहे हैं, बल्कि आईबी के पास अलर्ट भी था। तो ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि आईबी के पास उपलब्ध अलर्ट के बावजूद कैसे वो लोग इस तरह के हमले करने में कामयाब हो गए। कठुआ में तो एक पुलिस चौकी में जाके उन्होंने हमला किया, सांबा में आज उन्होंने हाईवे पे हमला किया। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी जो चुनौती है वो इस बात की है कि आपके पास सूचना होने के बावजूद अगर आप हमले को नहीं रोक पा रहे हैं तो हमको सूचना जो है वो और ज्यादा स्पष्ट रूप से कैसे मिले, ये देखना होगा। जरीब जी, फिर ये क्या ये माना जाए कि सिर्फ इन हमलों का मकसद लोगों में दहशत फैलाना है? निश्चित तौर पर मुझे यही लगता है, ये उसी आतंकवाद की एक अगली कड़ी है जहां पर लोगों को डराकर घाटी से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये भी लगता है कि जिस तरीके से घाटी में पलायन हुआ है पंडितों का और हिंदुओं का, उस तरीके से अगला प्रयास अब जम्मू को भी उसी तरीके से निशाना बनाए, तो इसमें एक रणनीतिक जो सोच है आतंकवादियों की वो ये हो सकती है कि चूंकि हमने वोटिंग पैटर्न में भी ये देखा है कि घाटी और जम्मू में बहुत अलग तरीके से वोटिंग होती है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर अब जो अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो भारत और जम्मू कश्मीर को साथ साथ नहीं देख सकते, उनकी कोशिश होगी कि जम्मू में जो वर्चस्व है अभी जनता में, हिंदुओं का बाहुल्य है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उनको डराकर वहां से अलग करने की कोशिश की जाए। निश्चित तौर पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सरकार न केवल जम्मू में बल्कि घाटी तक भी यह संदेश पहुंचाए कि भारत की एकता और अखंडता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे जम्मू कश्मीर के आतंकवादी हमलों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।